बड़ी खबर देहरादून से, सीएम आवास पर मंत्री परिषद की बैठक। लॉकडाउन को लेकर सीएम त्रिवेंद्र रावत बैठक कर रहे हैं। सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री बैठक में मौजूद हैं। डीजीपी समेत कई आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। लॉकडाउन की समीक्षा को लेकर ये बैठक बेहद अहम है। लॉकडाउन को लेकर समीक्षा मुख्यमंत्री की ओर से, सभी मंत्री राज्य मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक मंत्री परिषद की। ऑनलाइन पर कुलदीप नेगी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कुलदीप, लॉकडाउन को लेकर क्या इस बैठक में चर्चा, कौन कौन मौजूद है बैठक में? देखिए, बैठक में मुख्यमंत्री के साथ ही जो शासकीय प्रवक्ता है कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक मौजूद है, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मौजूद है। इसके अलावा कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी इस बैठक में है। वन मंत्री हरत सिंह रावत इस बैठक में मौजूद है और साथ ही में दो राज्य मंत्री हैं, सहकारिता और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और महिला बाल विकास मंत्री रेखा इस बैठक में मौजूद है। राज्य के मुख्य सचिव भी इस बैठक में हैं और डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद है। साथ ही प्रमुख सचिव जो शासन के हैं, अपर मुख्य सचिव, वो भी इस बैठक में मौजूद है। तो बैठक अभी मुख्यमंत्री आवास में चल रही है और इस बैठक में जिस तरीके से केंद्र ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है उसको राज्य में फॉलो तो किया ही जाना है। इसके अलावा राज्य सरकार अपने स्तर से ये भी विचार कर रही है कि जो जिले अभी तक कोरोना से पूरी तरीके से अछूते हैं, यानी कोरोना वहां पर नहीं पहुंचा है और वो जिले सुरक्षित हैं, तो क्या वहां पर सरकार कुछ आने वाले भविष्य में कुछ रियायत दे सकती है 20 अप्रैल के बाद? एक तो इस पर चर्चा होगी। दूसरी जो चर्चा है कि लॉकडाउन को किस तरीके से राज्य में जो भी उसमें प्रावधान किए गए हैं किस तरीके से उन्हें पालन और सख्ताई से करना है, ताकि ऐसे जिले जहां पर की कोरोना पॉजिटिव के केसेस पाए गए हैं, जैसे देहरादून जिले की बात कर लें, नैनीताल की बात कर लें, हरिद्वार की बात कर लें, तो वहां पर सख्ताई से कैसे इसमें जो भी प्रोविजन किए गए उनका पालन करवाना है। ये भी सुनिश्चित करना है कि जो भी लोग अगर सामने आ रहे हैं तो उसके बाद उन क्षेत्रों में और क्या स्थितियां बननी है। तो तमाम सारे विषय है जिसको लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों से रायशुमारी भी की जा रही है, उनसे चर्चा भी की जा रही है और इसके बाद तकरीबन 6 बजे के आसपास कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक प्रेस को ब्रीफ करेंगे। वो जानकारी देंगे कि मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या क्या चीजें निकल कर आई है और सरकार ने क्या तय किया है, क्या राज्य में कुछ जिलों में रियायत देने का सरकार ने निर्णय किया है या नहीं किया है। तमाम सारे जो मुद्दे हैं उसके बारे में वो ब्रीफ करेंगे मीडिया को। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।